हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक नई पजल लेके आई हूँ। सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर अगर मुंह होता है तो हम किसी पजल को कैसे करते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो अगर आपको क्लासेस ये अच्छी लग रही है, जो रेगुलर बेसिस पे चल रही है SBI क्लर्क के लिए, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने बाकी दोस्तों को, ठीक है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कम समय लगती जरूर है पर आपको कुछ नया देख के जाती है। यही चीजें देखो, बैंकिंग एग्जाम में ज्यादा कुछ होता नहीं कराने को, पर स्पीड बहुत मैटर करती है। जब आपको चीजें आती होंगी थोरोली तो आपको स्पीड मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को, शुरुआत करेंगे पजल से, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की। पहली पजल आपके सामने है, ये रही पहली पजल आपके सामने है। पहले आप लोग ट्राई कीजिए कि इसका सवाल हम किस प्रकार से निकालेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप लोग ट्राई कीजिए इस सवाल को, बहुत आसान सवाल है। देखो मैं आपको रेगुलर बताती हूँ आपको। देखो जिसने अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी प्रीवियस वाली तो वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि तो पिछली वीडियो से ही कनेक्टेड चलती रहती है आगे वाली वीडियोस। तो आप सभी पिछले वाली वीडियो जरूर देखिए, ये क्लास हमारी फिफ्थ है, पजल की पांचवी क्लास है, बाकी चार हो चुकी है। तो आप पिछली क्लास जरूर देखते जाए जिससे कि आपको पता चले कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला रूल मैंने बताया था आपको पजल को देखते क्या है, पजल को पढ़ना नहीं है। क्या है? पढ़ना नहीं है, पूरी पजल को नहीं पढ़ना, केवल शुरुआत की लाइन देखो क्या लिखा हुआ है। छह लोग हैं, छह लोग हैं, सबका मुंह कहाँ है? अंदर की ओर है। समझ में आ गया, इतना ही देखना है। फिर क्या करना है? तीसरा स्टेप है बफर बनाने का। अब शुरुआत करेंगे बफर की, शुरुआत हम बफर ही करेंगे। शुरुआत करते हैं, लाइन पढ़िए पहली वाली है। क्या है? जेड वाई एक्स यू वी डब्ल्यू व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जेड डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पे है। जेड क्या है? डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पे। लो भाई बैठ गया, डब्ल्यू के दूसरे स्थान पे। देखो ये चीज ध्यान रखना, ये पहला है, ये दूसरा है, इधर है, दूसरे स्थान पे। लाइन जरूर खींचना तभी पता चलेगा कि कितने कितनी दूर बैठा हुआ है, ठीक है। दूसरी लाइन लिखी हुई है जो, अब ये जो किसके लिए? जो है पास वाले के लिए। पास में कौन है? डब्लू, डब्लू पास में, पास डब्लू के लिए। जो यू के बाएं से तीसरे स्थान पे है, जो यू के तीसरे स्थान पे, ये लो एक दो तीन किस पे है? एक दो तीन तीसरे स्थान पे है, ठीक है। एक्स वी के दाएं से तीसरे स्थान पे है। एक्स क्या है? वी के एक दो तीन तीसरे स्थान पे है, वी से एक दो तीन, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? और यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। और का मतलब क्या होता है? दूर वाला। दूर कौन है, एक्स या वी? एक्स दूर है, एक्स जो है पड़ोसी नहीं है किसका? यू का। एक्स यू का पड़ोसी नहीं है। तो आपके सामने तीन बफर बने, ये तीन बफर है। शुरुआत करते हैं डायग्राम बनाने की, ठीक है। शुरुआत करते हैं डायग्राम बनाने की, देखिएगा डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले हमने गोला बनाया, ये रहा गोला एक, ये रहा गोला दो, उसके बाद छह लोग, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह। क्या ये डायग्राम सही है? क्या ये डायग्राम सही है? छह यहाँ पे छह वहां पे, नहीं है सही, ये डायग्राम सही नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था जैसा यहाँ बनेगा सेम टू सेम वैसा, ये लाइन जो यहाँ बनाई है यहाँ नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये छोटी बात हो सकती है आपके लिए, पर जब आप सॉल्व करेंगे और जब आपका आंसर नहीं आएगा यही चीज बहुत बड़ी बन जाएगी, देखना, ठीक है। अब इतना हो गया, अब डायग्राम को बैठाना। सबका मुंह कहाँ है? अंदर की ओर है। सबका मुंह अंदर की ओर है, बिठा दी अंदर, अंदर की ओर है सबका मुंह। एक सेकेंड, कहाँ है? अंदर की ओर, अंदर 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 अंदर। राइट कर दो, राइट 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 और राइट राइट। सबको बता चुकी हूँ मैं ये चीजें, राइट कैसे मार्क करते हैं ये मैंने आपको पहली वीडियो से बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। राइट हो गया, अब बिठाओ। शुरुआत कहाँ से करें? यहीं से शुरुआत करते हैं। डब्ल्यू जेड और यू तीन लोग बैठ जाएंगे। डब्ल्यू को उधर बैठाया, एक छोड़ के जेड है, फिर एक छोड़ फिर यू है। डब्ल्यू डैश जेड और यू बैठ गए, ये लो। अब यू और एक्स बगल में नहीं है, मतलब एक्स यहाँ तो नहीं आएगा और एक्स यहाँ भी नहीं आएगा। बचा क्या? या तो एक्स इधर आएगा या फिर एक्स इधर आएगा, दो ही जगह बची है एक्स के लिए। एक्स भी हो गए, एक्स और वी में दो का गैप है। देखो अगर एक्स इधर आया, एक दो वी इधर बैठेगा नहीं, एक दो वी इधर बैठेगा नहीं। एक्स इधर आएगा तो एक दो वी इधर बैठ सकता है, ये गलत हो गया, ये वाला सही है। बचा क्या आपका?
बच्चा क्या आपका वाई बच्चा शायद, क्या बच्चा आपका वाई बचेगा, हाँ वाई बच्चा वाई इधर आ गया और यही आपका सही जवाब है, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। आई बात समझ में, ये आपका बिल्कुल परफेक्टली एकदम सही आंसर है। समझ में आया कैसे हमने किया? सबसे पहले पजल को पूरी पढ़ना नहीं है आपको, शुरुआत के एक लाइन पढ़ के आपको ये समझना है केवल कि पजल कौन सी वाली है, कितने लोग बिठाने हैं और हाँ इतनी चीज बताने से लगानी है आपको, ठीक है। इतना करने के बाद आप लाइन वाइज पढ़ेंगे पजल को एक एक लाइन और बफर बना चलेंगे पूरा। देखो अगर आप लोग ऐसा करते हो पहले पूरी पजल पढ़ते हो उससे क्या फायदा होता है, कोई फायदा नहीं होता, उससे केवल टाइम की बर्बादी होती है, ना तो आप बफर बना सकते हो ना ही ये बना सकते हो, कुछ नहीं बना सकते उससे आप। इसलिए आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप को पजल को पढ़ोगे, एक एक लाइन पढ़ के आप बफर बनाओगे, बफर बनाने के बाद आप पूरा बन जाए तब उसको हटा दो स्क्रीन से और अपने कॉपी में देखो और इसको देख देख के, इसको देख के ही बनाओ। ये बात ध्यान रखना, ये जो बफर बना रहे हो ये एकदम सही बनाना, अगर ये गलत बनाओगे तो ये भी गलत बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ इस बफर को जो बनाते हो एकदम सही बनाना, फिर इसको देख देख के आप बनाओगे, टाइम भी कम लगेगा और सही भी बनेगी आपकी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये हल्का चेंज क्वेश्चन है, जरा देखिएगा और ट्राई कीजिएगा इसको बनाने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोशिश कीजिएगा इसको बनाने की, देखिए बताइए कि आपसे बन पा रही है पजल। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा फिर बनाइएगा और उसके बाद चेक कीजिएगा कि आपने जो बनाई है और जो मैंने बनाई है क्या वो सेम है, ठीक है। इस चीज को जरूर चेक कीजिएगा। शुरुआत करते हैं अब बफर बनाने की, ठीक है। पहली लाइन क्या पढ़ी, पहला स्टेप क्या था, पजल पढ़ने नहीं पढ़ी, शुरुआत में देख के पता चलेगा यहाँ पे 6 लोग हैं, सबका मुंह बाहर की तरफ है, सबका मुंह कहाँ है, बाहर की तरफ है, ठीक है, हो गया। अब शुरुआत करते बफर की, अब देखो बफर बनाती हूँ, देखो बफर में क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन पी एस के, पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, पी कहाँ है, सेकेंड राइट पे, एक दो सेकेंड राइट पे पी है, पहला डायग्राम बन गया। दूसरा क्या है आपका, अगली लाइन क्या है, जो यू के बाएं से तीसरा है, जो का मतलब एस, एस कहाँ पे है, लेफ्ट में है यू के, एक दो तीन, तीसरे पे, यू के बाएं से तीसरे पे है, बिल्कुल सही है, यू के बाएं से, ठीक है। अगली लाइन क्या है हमारी, आर टी के दाएं से तीसरे पे है, आर कहाँ पे है, आर कहाँ पे है, थर्ड टू द राइट ऑफ टी, आर राइट पे है टी के, वन टू थ्री, थर्ड राइट पे टी के है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है आखिरी लाइन पे, और वह यू का तत्काल पड़ोसी नहीं है, और का मतलब जो दूर है, दूर कौन सा है, दूर कौन सा है, आर या टी, एक सेकेंड, आर कहाँ पे गए, हाँ आर या टी, आर दूर है, तो आर जो है पड़ोसी नहीं है किसका, यू का, आर यू का पड़ोसी नहीं है। इसको देख के हमने ये डायग्राम बनाया, पर ये डायग्राम गलत है, गलत नहीं है मतलब इस क्वेश्चन को सूट नहीं करेगा, क्यों बताती हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अगर ये बफर सही होता, अगर इनका मुंह सबका मुंह अंदर की ओर होता, पर मुंह कहाँ है, अंदर की ओर नहीं है, बाहर की ओर है, तो क्या करेंगे, इसी को जस्ट उल्टा बना देंगे, कैसे, पी डैश एस, उल्टा पी इधर था, इधर बना दिया, ठीक है, यू और एस दो का गैप, यू का इधर बना देंगे, ठीक है। फिर क्या है, आर डबल डैश टी, टी का है तो टी के इधर बना देंगे, और आर डैश इन क्रॉस यू, जस्ट रिवर्स अपोजिट कर देंगे इसका, जब मुंह बाहर की ओर होगा, क्या बाहर की ओर होगा, तो जस्ट रिवर्स कर देंगे। अब देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा अब इसका, ठीक है। अब देखते हैं इस वाले सवाल का डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे। ये बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखनी है आपको, ये चीज ध्यान रखनी है, इससे सवाल आपका आसानी से बनेगा, आपको झमेला नहीं रहेगा कि कहां देखें। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो पी है इधर बैठना है, पर डायग्राम में कहां बैठेगा, इधर बैठेगा, तो आप कंफ्यूज होंगे, इधर बिठाएं या इधर बिठाएं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने शुरुआत में ही इसको चेंज करके इस फॉर्मेट में कर लिया, जिससे कि आपको दिक्कत ना, अब एज इट इज बिठाना है आपको, जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसे ही बिठाना पड़ेगा। देखो ये रहा आपका गोला, ये रहा आपका गोला, 6 लोग हैं, 2 2 4 2 6 लोग हैं, 2 2 4 और 1 2 6 हो गए, सबका मुंह बाहर की ओर है, सबका मुंह बाहर की ओर है, सबका मुंह बाहर की ओर है, ठीक है। राइट देख लेते हैं, सबका राइट कहाँ पे है, राइट किधर होगा, इधर,
राइट किधर होगा, इधर 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 इधर, राइट किधर होगा, इधर 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 और इधर, राइट हो गया। अब क्या करेंगे देखते हैं, राइट भी हो गया ये भी हो गया, अब बैठाओ, शुरुआत ऐसे करते हैं, पी और एस, अगर पी इधर बैठेगा तो एस किधर बैठेगा, इधर एक छोड़ के एस इधर बैठ गया, पी इधर एक छोड़ के एस इधर बैठ गया, ठीक है ये हो गया। एस और यू में दो का गैप है, एस एक दो यू, एक दो यू, यू इधर है यू इधर है, एस और यू में ये भी हो गया। आर और टी, आर और यू बगल बगल में नहीं है तो आर इधर तो बैठेगा नहीं, आर इधर भी नहीं बैठेगा, तो आर कहाँ बैठेगा, या तो इधर बैठेगा आर या फिर इधर बैठेगा। आर और टी में दो का गैप है, आर एक दो टी, एक दो टी नहीं बैठेगा, एक दो टी, एक दो टी, टी इधर बैठ गया। बचा क्या आपका, बचा क्या पी क्यू, क्यू बचा, क्यू इधर आ जाएगा, क्यू आपका इधर आ जाएगा और यही सही आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत हो गया क्योंकि तो इसमें टी बैठा ही नहीं। आई बात समझ में, कैसे किया। अब देखो ऐसा करने से एकदम आसानी से बदल बन गई। अब आप देखिएगा, आप लोग इसके अकॉर्डिंग बिठाना, आप लोग इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिठाओगे आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा जब आप इसके अकॉर्डिंग बिठाओगे, इसके अकॉर्डिंग आपका इजीली बन गया। तो ये था आपकी ट्रिक कि कैसे हम इनसाइड आउटसाइड के सर्कल को कैसे बिठाते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ऐसी और भी वीडियोज में लाती रहूंगी। अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि हाँ मैम ऐसी और वीडियोज चाहिए आपको, ठीक है, तो आप शेयर कीजिएगा सबसे ज्यादा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है, लाइक कीजिए और अपने सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, कि आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय, मिलते हैं शाम को 8 बजे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।